Good afternoon to all my YTF Central Committee members and Tipra Motha warriors. This is a message हमारे यूथ के लिए, YTF के लिए. मैंने आज ही बहुत यूथ लीडर से बात किया है और ये मेरा सोच है कि आने वाले एक महीने के अंदर नेशनल पार्टी पैसा देखकर हमारे अंदर डिवीजन, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी शुरू करेंगे. वो पॉलिटिक्स खेलेंगे और मैं आज पूरे YTF सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को बोल रहा हूँ कि आपका काम, आप सेंट्रल लीडर्स हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने जिस एरिया से जहाँ से आप आते हैं वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट, वहाँ का लोकल कमेटी से आप बड़े हैं. ये जो हमारा ग्रेटर तिपरा लैंड का फाइट है, कोई किसी से बड़ा नहीं है. हम सब वॉरियर्स हैं और हम सब ग्राउंड में हैं. मैं चाहता हूं कि आप लोग कम टाइम अगरतला में बिताइए और कम टाइम सेंट्रल लीडर्स बनिए और अपने ब्लॉक में, अपने YTF के ब्लॉक प्रेसिडेंट और लोकल कमेटी के संग बैठकर अब काम शुरू कीजिए. किसी को नेता बनने का दरकार नहीं है. सबको अब अपना पोस्ट के बारे नहीं सोचकर लोकल कमेटी में, मैं सेंट्रल कमेटी को बोल रहा हूँ, आप लोग लोकल कमेटी में, ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन टीम बनाइए और उसके संग एक होकर, बड़ा नहीं छोटा नहीं, एक होकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक में जनरल सेक्रेटरी हो और सेंट्रल लीडर हो, एक होकर अपने एरिया में, किसी और के एरिया में नहीं, अपने एरिया में काम शुरू करो. नेशनल पार्टी अब हमें तोड़ने का पूरा कोशिश करेगा. अगर हम लोग एक रहे तो हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा YTF वॉरियर्स के थ्रू. अगर हम ईगो को रखते हैं तो हम लोग हारेंगे. चॉइस आपका है. मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, तभी भी मैं अकेला फाइट कर रहा हूँ. मैं आपको अपील करता हूँ, अपने बुबागरा का बात सुनिए और एक होकर काम कीजिए. बलाई नोहम भाई.